नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रश्मिका मंडाना और विजय देवरकोंडा का रोमांस चरम सीमा पर। दोनों का रोमांस काफी सालों से चल रहा है, ये बात अब उजागर हुई है। विजय और रश्मिका ने दो फिल्में साथ में की हैं, 2018 में गीता गोविंदम और 2019 में डियर कॉमरेड। ये दोनों तेलुगु फिल्में थी और तभी से दोनों का रोमांस चल रहा है। उसके बाद दोनों ने कोई फिल्में नहीं की और रश्मिका जब भी हैदराबाद में होती है विजय के घर पर जाती है और उसकी फैमिली के बहुत क्लोज है, उनकी मम्मी से भी उनकी अच्छी पटती है। ये बात तब उजागर हुई कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में है। विजय ने और रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पे अलग अलग फोटो शेयर किए हैं, लेकिन दोनों का बैकग्राउंड छत का एक ही है। इससे लोगों को बोलने का मौका मिल गया है कि रश्मिका और विजय लिव इन रिलेशनशिप में हैं। मैडम, रश्मिका और विजय भले हिंदी फिल्मों में आप झंडे नहीं गाड़ पाए, लेकिन रोमांस में तो गाड़ ही दिए आपने। भले ही कार्तिक आर्यन का सारा अली से ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन जब तब दोनों टकराते रहते हैं और लगता है अब तो रेगुलर टकराएंगे, क्योंकि कार्तिक ने उसी बिल्डिंग में ऑफिस खरीदा है जहां सारा का ऑफिस है। इसकी वैल्यू बताई जा रही है 10.09 करोड़ और इसके लिए कार्तिक ने 47.55 लाख की स्टैम्प ड्यूटी भी भरी। ये 2100 स्क्वायर फीट का बड़ा ऑफिस है और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ 4 सितंबर को। इससे पहले कार्तिक ने कुछ महीने पहले 17.5 करोड़ का झूपे आलिशान फ्लैट खरीदा था और ये दोनों अनुराग बसुई की फिल्म आशिकी 3 में भी नजर आएंगे। मिस्टर कार्तिक, लगता है पुराना प्यार वापस जाग उठा है। वैसे भी बेचारी सारा आजकल खाली बैठी हुई हैं, जानवी कपूर भी उनकी जिंदगी से आउट हैं। जावेद अख्तर बने डॉक्टर। जी हाँ, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बाय SOS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने जावेद को डॉक्टरेट की उपाधि दी है। इस मौके पर शबाना आजमी और उनके बेटे फरहान अख्तर मौजूद थे। रात को डिनर पार्टी में जावेद ने कुछ कविताएं सुनाई और उसका रूपांतर इंग्लिश में किया शबाना आजमी और फरहान अख्तर ने। उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने भी इन तीनों को एक बड़ा रिसेप्शन दिया। कहना नहीं होगा, इन तीनों की ये यादगार लंदन की ट्रिप हो गई। मिस्टर जावेद, लोगों को आप ऑर्थो ऑयल और ऑर्थो कैप्सूल खाने की सलाह मत दे देना, क्योंकि आप डॉक्टर बने लिटरेचर में, मेडिकल के नहीं। आयुष्मान खुराना ने अपने बाल कराए छोटे। लगातार 5 सुपर डुपर फ्लॉप फिल्में देने के बाद आयुष्मान को आखिर सफलता मिली ड्रीम गर्ल 2 से। फिल्म एवरेज थी, लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। नतीजा, आयुष्मान खुराना आसमान में उड़ने लगे और उन्होंने अपने बाल छोटे करा के नया लुक दिया है। आयुष्मान के मुताबिक उनको नए नए लुक करना पसंद आता है और ये उनको नया कॉन्फिडेंस देता है। मिस्टर आयुष्मान, कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में उड़कर उल्टी सीधे साइन करके फिर फ्लॉप फिल्में देना मत शुरू कर देना। ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर का गाना मुंबई में शूट होगा। फिल्म फाइटर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद 3 गाने शूट करेंगे। पहला गाना पार्टी सॉन्ग है जो मुंबई में शूट किया जा रहा है। इसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबेरॉय पार्ट ले रहे हैं। उसके बाद 2 गाने विदेशी लोकेशन में शूट होंगे जिसमें ऋतिक और दीपिका होंगे। आपको पता होगा कि फिल्म नवंबर 2022 में शुरू की गई थी तेजपुर एयरफोर्स बेस में जो आसाम में है, और फिल्म 2023 में खत्म हो जाएगी और जनवरी 24 में रिलीज की प्लानिंग है। सिद्धार्थ, उम्मीद है कि आप 3 महीने में स्पेशल इफेक्ट, VFX और बाकी पोस्ट प्रोडक्शन फिनिश करके इसे जनवरी में ले आ पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फाइटर। क्या शाहरुख खान की फिल्म जवान NTBJP है और क्या अपोजिशन पार्टी इस मुद्दे को भुनाएगी? अक्सर साउथ की फिल्म में एंटी सिस्टम होती है, इसीलिए लोग पसंद करते हैं और फिल्में सुपर डुपर हिट जाती हैं। आपको पता होगा 70s और 80s के दशक में अमिताभ भी ऐसी फिल्में करते थे और फिल्में सुपर डुपर हिट होती थी। सेंसर ने भी बिना किसी शोर शराबे के ये फिल्म पास कर दी कि कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं जग जाए। आइए जानते हैं कौन से इश्यूज हैं जिससे बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाराज है। गवर्नमेंट ने कैसे बिजनेसमैन, उद्योगपति और कई अपने करीबी दोस्तों को 17 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया, और वहीं चुनिंदा हजारों रुपए के लिए कैसे किसानों को परेशान किया और वो बेचारे मजबूर हुए फांसी लगाने को। दूसरा मुद्दा दिखाया गया है मेडिकल लापरवाही के चलते कैसे 70 बच्चे मर गए थे जहां ऑक्सीजन नहीं था अस्पतालों में और डॉक्टर कैफिल को उसका बलि का बकरा बनाया गया था। आपको पता होगा कि सरकारी अस्पतालों में कैसी जर्जर स्थिति है, बेसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन, दवाइयां, बेड, सब कुछ खराब हालातों में। इसका पूरी तरह से फिल्म में चित्रण किया गया है। सेना में हथियारों का कैसा स्कैम होता है इसको दिखाया गया है। ये सीधा बताता है बीजेपी लीडर बंगारू लक्ष्मण के बारे में, जिनको हथियारों के स्कैम में पाया गया था। शाहरुख खान का एक डायलॉग, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ये सीधा बताता है कि कैसे आर्यन केस में बीजेपी गवर्नमेंट ने फेक ड्रग केस में आर्यन को फंसाया था और 1 महीना ऑलमोस्ट वो जेल में रहे थे। और शाहरुख का एक डायलॉग कि वोट देते समय उन्हें ही वोट दो जो आपको अच्छी हेल्थ दें, एजुकेशन दें और जॉब दें, न कि उस पार्टी को जो धर्म की राजनीति करे। इन्हीं सब बातों
दिनों से लगता है कि पूरी फिल्म बीजेपी के खिलाफ दिखाई जा रही है और शायद अपोजिशन पार्टी इसको कैश करे आने वाले इलेक्शंस में। बॉक्स ऑफिस, फिल्म जवान, शाहरुख खान की फिल्म जवान का बम्पर बिजनेस रहा था फर्स्ट डे करीब 75 करोड़ हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में, लेकिन फ्राइडे सेकंड डे ड्रॉप आया और करीब 50 करोड़ के आसपास बिजनेस हुआ। हिंदी 40-45 करोड़ के बीच में, तमिल 5 करोड़ और तेलुगु 3 करोड़, लेकिन सैटरडे और संडे अच्छा बिजनेस की उम्मीद है और संभवतः 200 करोड़ का बिजनेस हिंदी में पार कर जाएगी फिल्म जवान। और मंडे टू थर्सडे की बात करें तो 50 से 20 करोड़ का भी बिजनेस करती है, तो फर्स्ट वीक का बिजनेस करीब 125 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। शाहरुख खान की जवान से गदर को काफी फर्क पड़ा, एग्जीबिटर्स ने गदर के शो सिंगल स्क्रीन में और मल्टीप्लेक्स में डिसकंटिन्यू कर दिए, लिहाजा गदर 2 के मेकर्स और सनी देओल नाराज बताए जा रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि फिल्म संभवतः 600 करोड़ का फिगर भी टच कर पाती, लेकिन जवान के कारण फिल्म का बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कहीं फिर से शाहरुख खान और सनी देओल के बीच दरार ना जाए। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमोस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।